हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से मैं अपनी नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है विद इन अ फ्यू मिनट्स। इसमें मेरी कोशिश होगी कि कनाडा से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो मिनिमम पॉसिबल ड्यूरेशन के वीडियोस में शेयर कर सकूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको कनाडा का वीजा मिल चुका है जो जल्दी ही ननाइमो आने वाले हैं। अब अगर आप ननाइमो आने वाले हैं तो सबसे पहला चैलेंज आप फेस करेंगे वो है अपने रहने के लिए घर ढूंढना। आप अगर एज अ स्टूडेंट वैंकूवर आइलैंड यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो आप वहां पर VIU रेजिडेंस, जो कि वैंकूवर आइलैंड यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, वहां पर अपने आप को आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर वहां पर आपको रूम मिलता है रहने के लिए वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो, या फिर आप ऑन वर्क परमिट आ रहे हैं या एज अ PR आ रहे हैं तो आप यहां पर एक घर रेंट कर सकते हैं। अब मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी नए शहर में जाकर के घर रेंट करने का सोच रहे हैं तो उस शहर के बारे में एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो मैं ननाइमो के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ननाइमो को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज नॉर्थ ननाइमो, साउथ ननाइमो एंड सेंट्रल ननाइमो। अब जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो साउथ ननाइमो में लाया करती है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स साउथ ननाइमो में रहना प्रेफर करते हैं और इसीलिए साउथ ननाइमो में रेंटिंग इज एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू नॉर्थ ननाइमो एंड सेंट्रल ननाइमो। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो साउथ ननाइमो में रहना पसंद करते हैं, इसलिए जो लोग PR आ रहे हैं या ऑन वर्क परमिट आ रहे हैं जिनको यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है वो लोग नॉर्थ ननाइमो में प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी टिकट भी बुक हो गई होगी और अभी तक उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होगा, तो उन लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से इंडिया में हमारे पास OYO होता है जिसमें हमको बजट होटल्स मिल जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर पेंटेड टर्टल होता है जिसमें हमको बजट होटल्स, जिनको कि यहाँ पर मोटेल्स बोलते हैं, उसमें आपको रूम मिल जाता है। तो अब अगर आपको घर चाहिए तो आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप एक घर को रेंट करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर जाइए। फेसबुक पर आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे जैसे कि देसी पीपल इन ननाइमो, इंडियंस इन ननाइमो, वैंकूवर आइलैंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो इस तरीके के ग्रुप्स को आप ज्वाइन करें और वहां पर आप अपनी रिक्वायरमेंट को पोस्ट कर दीजिए, तो आई एम श्योर वहां से आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर वहां से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो कैनेडा की बहुत फेमस जो वेबसाइट्स हैं, दैट इज क्रेग्सलिस्ट और किजीजी, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और साथ में पेंटेड टर्टल का भी डाल दूंगा। आप वहां से अपने लिए आप वहां पर जाइए और उस पर भी जाकर के आप अपने लिए कोई बहुत अच्छा ऑप्शन आपको वहां पर भी मिल जाएगा, आई एम श्योर। तो नेक्स्ट बात करते हैं बजट की कि कितने पैसों में आपको क्या मिलेगा। तो अगर बजट की बात करूं तो सबसे पहले तो ऑप्शन आपके पास में क्या है कि आप एक अपार्टमेंट ले सकते हैं जिसको यहाँ कॉन्डो बोलते हैं, या एक किसी विला की ग्राउंड फ्लोर ले सकते हैं जिसको कि यहाँ पर बेसमेंट बोलते हैं। तो अगर आप 2 बेडरूम की कॉन्डो लेते हैं तो उसका रेंट तकरीबन 1400 से 1600 डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर्स लाइक यूनिवर्सिटी से कितना पास में है, बस स्टॉप से कितना पास में है, नई कंस्ट्रक्शन है या पुरानी कंस्ट्रक्शन है, आपको 1400 से 1600 के बीच में आपको एक दो बेडरूम का अपार्टमेंट मिल जाएगा, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज जिसको आप 4 लोग बड़ा इजीली मिलकर आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप एक घर लेना चाहते हैं तो आपको जो बेसमेंट यानी कि ग्राउंड फ्लोर है वो डिपेंडिंग अपॉन सेम फैक्टर्स, यूनिवर्सिटी से कितना पास में है, बस स्टॉप से कितना पास में है, नई कंस्ट्रक्शन है पुरानी कंस्ट्रक्शन है, आपको 1800 से 2200 के बीच में 2 या 3 बेडरूम की आपको बेसमेंट मिल जाएगी। अब क्योंकि मेरी वाइफ अभी उसकी थीसिस चल रही है तो मैं भी साउथ ननाइमो में रहता हूँ और यूनिवर्सिटी से काफ़ी पास में मेरा घर है, मेरे घर की विंडो से, मेरे बेडरूम की विंडो से यूनिवर्सिटी दिखाई देती है क्योंकि यूनिवर्सिटी पहाड़ के ऊपर, माउंटेंस के ऊपर बनी हुई है और यूनिवर्सिटी की लाइट्स कभी भी ऑफ नहीं होती हैं, लाइब्रेरी की लाइट्स तो हमेशा ही ऑन रहती हैं। तो रात को जब अंधेरा हो जाता है तो यूनिवर्सिटी का नज़ारा बहुत सुंदर होता है, यूनिवर्सिटी में जो रात के टाइम में भी रौनक होती है, लाइट्स ऑन होती हैं लाइब्रेरी की, देख करके बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है देखने। खैर अब बात करते हैं कि अगर आप पेंटेड टर्टल के थ्रू अगर आप एक मोटेल अगर आप रूम बुक करते हैं तो वो आपको $50 से स्टार्ट होकर के $55-60 में आपको एक बहुत अच्छा रूम आपको पेंटेड टर्टल पर मिल जाएगा। आप पेंटेड टर्टल पर नाइट के हिसाब से आप रूम बुक कर लीजिए। जब आप यहाँ पर आएंगे आपका और लोगों से आपका इंट्रोडक्शन होगा, आपको अपने जैसे और भी लोग मिलेंगे तो आप 3 या 4 लोग मिल करके एक जो है अकोमोडेशन आप रेंट आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग जिनको यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, जो लोग वर्क परमिट पर आ रहे हैं एज अ PR आ रहे हैं, वो साउथ ननाइमो में आने की गलती ना करें, वो नॉर्थ ननाइमो में ही जाएं। क्यों? क्योंकि जितना भी कमर्शियल एरिया है वो सारा नॉर्थ ननाइमो के क्लोज है, जितने भी मॉल्स हैं और जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं वो सब नॉर्थ ननाइमो के ज़्यादा क्लोज हैं। एंड आई टेल यू कि साउथ ननाइमो पुराना ननाइमो, इट्स ओल्ड ननाइमो। तो यहाँ के जो घर बने हुए हैं बड़े बड़े तो हैं मगर थोड़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन है, बट अगर आप नॉर्थ ननाइमो में जाओगे तो वहाँ पर सारी आपको ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शंस मिलेंगी और बहुत ब्यूटीफुली डेवलप हो रहा है और वहाँ पर ज़्यादातर घर आपको माउंटेन व्यू या सी व्यू टाइप के मिलेंगे।
और जो $1,500 में, जिस तरीके का घर आपको साउथ ननाइमो में मिल रहा है, $1,500 में ही आपको नॉर्थ ननाइमो में एक बहुत ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं होता, जिनका यूनिवर्सिटी से कोई आना जाना नहीं है, ना वो पढ़ाई कर रहे हैं ना उनकी वाइफ या हस्बैंड पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी आकर के साउथ ननाइमो में घर ले लेते हैं। तो उन लोग बाद में फिर बड़ा, उनको पहले पता नहीं होता, फिर बाद में बड़ा पछताते हैं कि यार 1500 में यहाँ तो ये मिल रहा है, 1500 या 1600 में $100 और मिला देता तो मेरे को जो है नॉर्थ ननाइमो में तो इतना ब्यूटीफुल घर मिल जाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, गो फॉर नॉर्थ ननाइमो। अगर आपको यूनिवर्सिटी आना है तो, क्योंकि कम्यूटिंग में आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, नॉर्थ ननाइमो मत जाना। ननाइमो बोलने के लिए छोटा है, मगर है बहुत बड़ा। तो नॉर्थ ननाइमो से साउथ ननाइमो आने में ही आप थक जाओगे, तो इसलिए गो फॉर साउथ ननाइमो। जब तक आप एज अ स्टूडेंट आप कंटिन्यू कर रहे हो, तब तक गो फॉर साउथ ननाइमो। सेंट्रल ननाइमो ज़्यादातर कमर्शियल है, वहाँ पर आपको रेंटिंग के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। हो सकता है लकीली आपको कुछ मिल जाए, मगर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल है और वहाँ पर जिन लोगों की शॉप्स हैं या जिन लोगों के ऑफिस हैं, वही लोग वहीं आसपास में जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं वो लोग वहाँ पर रहते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काम में आई होगी। अगर आप कुछ भी क्वेश्चंस आप ननाइमो से रिलेटेड आप मेरे से पूछना चाहते हैं, कनाडा से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं ज़रूर उनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और आप तक जल्दी से जल्दी एक्यूरेट से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स, अपना ख्याल रखें, बाय।